गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप लोगों का स्वागत है इलाहाबाद विश्वविद्यालय दस मिनट विलंब से कक्षाएं पर प्रारंभ हो रही है इसके लिए ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम हम लोग आज बेलमेंट के विषय में पढ़ेंगे आवाज क्लियर आ रही है सबको आवाज क्लियर है कौस्तुभ जी आवाज क्लियर है ओके ओके आवाज क्लियर आ रही है हमारी ओके 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 नाउ आई विल स्टार्ट माय क्लास ऑफ बेलमेंट आज जो है हम लोग उप निधान उप निधान के बारे में बेलमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम सामान्य दिनचर्या में कभी कभी ऐसी ऐसे कार्य करते हैं जिसको हम खुद नहीं समझ पाते हम क्या कर रहे हैं ठीक है आज का विषय है बेलमेंट बेलमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उपनिधान इट इज से कॉन्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये भी क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है ठीक है इस तरह के भी कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट हैं विद्यमान हैं किस में विद्यमान है वर्तमान समय में भी विद्यमान है लेकिन व्यवहारिक रूप से इंडिया में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट नहीं होता है ठीक है और इसके प्रेजेंस की बहुत ही कम संभावना होता हर जगह है यहाँ भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट उपनिधान के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बेलमेंट के द्वारा होता है उपनिधान के द्वारा होता है वह एक प्रकार का व्यवहारिक पक्ष है समझिएगा एक प्रकार का व्यवहारिक यानी जो हम सामान्य दिनचर्या में सामान्य ट्रांजेक्शन में कोई कार्य करते हैं अपने व्यवहार को सुचारू रूप से अपने कार्य को प्रॉपर सुचारू रूप से फंक्शन करने के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी कही न कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट पाया जाता है संविदा उपस्थित रहती है जैसे एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहे हैं अगर कोई व्यक्ति अपना कपड़ा जो है धुलने के लिए लॉन्ड्री में देता है ठीक है अगर वो लॉन्ड्री में दे दिया धुलने के लिए तो ये क्या हुआ ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो कपड़ा लॉन्ड्री में धुलने के लिए दे दिया तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है इसी तरह आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए आप अपनी घड़ी का रिपेयर कराने जा रहे हैं तो किसी को दे दिए जो रिपेयर मैकेनिक है उसको क्या करते हैं आप घड़ी दे देते हैं कि भैया ऐसा है हमारी घड़ी जो है खराब हो गई है नहीं चल रही है तो आप क्या करते हैं उसको अपनी घड़ी दे देते हैं किसके लिए रिपेयर करने के लिए दे देते हैं एक उद्देश्य के लिए वहां भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट संविदा है तो आप किसी के, जैसे आप और पार्क में अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता होता सामान्य लोगों को नहीं पता होता है बट क्या है एज ए बींग लॉ स्टूडेंट एज ए बींग एस्पिरेंट ऑफ द लॉ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम किसी स्टैंड में प्रॉपर रजिस्टर्ड स्टैंड में अगर हम खड़ा कर रहे हैं अपनी गाड़ी फॉर टाइम फॉर सम पर अगर खड़ा कर रहे हैं तो वहाँ भी एक प्रकार की संविदा एग्जिस्टेंस में आ जाती है ठीक है यानी ये जो संविदा है जो ए, मतलब कि इधर की जितनी संविदाएं हैं इसमें कहीं न कहीं आपके व्यवहारिक जीवन में आने वाली दिनचर्या की घटनाओं पर आधारित होती है अब जैसे कपड़ा धुलने के लिए देना एक सामान्य प्रक्रिया है कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति अपना परिवार में चाहे जहाँ भी रहे वो कपड़ा धुलवाता है प्रेस कराता है तो क्या करता है लॉन्ड्री को दे देता है ठीक है यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में अनअथराइज वर्किंग ज़्यादा है यानी कोई अथराइज़ नहीं है तो उस कंडीशन में आ दे देता है और कहता है ठीक है भैया इसको धुल के प्रेस करके हमको दे देना हम ना तो हम समझते हैं ना वो समझता है यानी दोनों लोग ये नहीं समझते कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से बध गए हैं लेकिन क्या है वहां पर भी एक स्थिति आती है कि हम दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट से बंध गए हैं यानी हम क्या हुए उपनिधाता हुए और वो क्या हुआ उपनिधि हुआ हम बेलर हो गए वो बेली हो गया और दोनों के इस ट्रांजेक्शन को यानी हमारे कपड़ा धुलने के लिए देने के उपलक्ष्य में वो क्या हुआ एक बेलमेंट हो गया हमको पता नहीं है उसको भी पता नहीं है क्योंकि ना तो हम किसी अनऑथराइज व्यक्ति से स्लिप ले रहे हैं ना हम उसके रजिस्टर्ड जो डाइट क्लीनर है या कपड़ा धुलने वाला है उसके यहाँ जा रहे हैं हम अनऑथोराइज व्यक्ति को कहते हैं अच्छा ठीक है कपड़ा ले जाना और प्रेस करके दे देना धुल के दे देना ठीक है तो यहाँ जनरली सम व्यवहार में नहीं है लेकिन हम जब इसको देखेंगे ब्रिटेन में देखेंगे जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें देखेंगे तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही मतलब पॉपुलर हैं और रोज की दिनचर्याओं में घटित होना अगर जैसे मान लीजिए घटना होती है कि आपके साथ कपड़ा दिए प्रेस करने के लिए धुलने के लिए तो आप जो है दे दिए उसमें से एक कपड़ा उसने जला दिया फाड़ दिया आ, तो आप कहते हैं अरे छोड़ो जाने दो कोई नहीं अब क्या कर सकते हैं जाने दो होगा इट इज नॉट प्रॉपर वे ये प्रॉपर वे नहीं है ठीक है कहने का मतलब ये है कि अगर उसने जला दिया है दैट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पर्सन उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति क्या करे जितना हम कपड़ा दिए हैं उसको धुले और उस सारे धुले हुए कपड़े को लेकर सुरक्षित वापस करे ये उसकी जिम्मेदारी है एज ए बेली एज ए उपनिधि ठीक है और एज ए बेलर हमारा राइट है कि अगर मान लीजिए उससे कुछ गड़बड़ी होती है कुछ सामान डिफेक्ट हो जाता है तो हम उससे क्या करें कंपनसेशन ले, ले। हमारा राइट right है कि हम उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं अगर हमारा शर्ट फट गया हमारा शर्ट जल गया तो हम उसके खिलाफ कंपनसेशन uh, uh, के लिए सूट दाखिल कर सकते हैं कि ऐसा है कि हमारा शर्ट जला दिया है और ये ये है तो सूट नहीं यहाँ पर कंप्लेन कंज्यूमर फोरम में क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है ध्यान रखिएगा वो सर्विस प्रोवाइडर है और उस सर्विस प्रोवाइडर के अंतर्गत वो कर सकते हैं जैसे अभी देखिए एक आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आ, ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के होस्ट करने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं कौस्तुभ जी उन्होंने एक कमरा बुक कराया था ये खुद की कहानी है यानी इट इज मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के एनफोर्समेंट की बात कर रहा हूं एक उदाहरण के रूप में उन्होंने एक कपड़ा बुक कराया वाराणसी में ओयो एक कंपनी है उसके थ्रू ऑनलाइन उन्होंने बुक कराया ठीक उसके बाद बुक कराने के बाद क्या हुआ कि वो गए उस प्लेस पे गए जिस, जिस होटल को इंडिकेट किया गया था वहां पे वो कहा कि हमारा टाइप नहीं है ठीक तो इस अब क्या हुआ वहां पे इनको कमरा नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया चार सौ साठ रुपए का नियर अबाउट फोर हंड्रेड सिक्सटी रुपीज केवल था उसका रेंट एक दिन का अब आम आदमी कोई भी व्यक्ति अरे कौन चार सौ साठ के लिए किचकिच किच करे ऐसा करते हैं हम दूसरा कमरा ले लेते हैं लेकिन नहीं एज ए बींग ए ल और ये जागरूकता के कारण इन्होंने क्या किया कि कंप्लेन किया उसके साइट पे कंप्लेन किया सारी चीज़ें हुई एफ आई आर कराई क्योंकि तो वो देने से इनकार कर दिया और सारी लाइबिलिटी से मना कर दिया कि आई हैव नो लाइबिलिटी एंड समाप्त हो जाने के कॉन्ट्रैक्ट समाप्त तो हो जाने के कारण हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है हम कोई रिटर्न नहीं करते हैं अब उस पर इन्होंने एफ करा दी ठीक है कि ये फ्रॉड काज कर रहे हैं, हैं। वहां पे क्या है फ्रॉड काज कर रहे हैं लेकिन हमारा अगर बेलमेंट में आप पढ़ेंगे वो धोखाधड़ी यानी कई लोगों का होकर के और उनसे लेके और किसी से टाइप नहीं है ओरली कॉन्ट्रेक्चुअल है बात करते हैं कब खत्म हो जाता है कब आ जाता है कोई नहीं जानता फिर एफ करके इन्होंने अपना क्लेम कर दिया है अब वो एक कंपनी की हालत खराब हो गई है यानी कहने का मतलब हमारे यहाँ इंडिया में अवेयरनेस कम है जागरूकता कम है इन छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टों पे दो चार पैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चार पैसे के वापसी के लिए हम लोग नहीं करते बट इट इज माई लीगल राइट क्यों नहीं हम क्यों नहीं एनफोर्स कर सकते हैं हम लोग अनोन है बहुत ज्यादा जनता हमारे यहाँ जागरूक नहीं है इन सब चीजों से लेकिन हमें इसका प्रयास करते रहना चाहिए हमें इन सब चीजों को बताते रहना चाहिए लोगों को बताते रहना चाहिए कि अगर ऐसा है तो ऐसे करना चाहिए आपको ठीक है तो वही बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर हम लॉन्ड्री वाले को या स्टैंड वाले को यहां अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो इट इज ए ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट स्टैंड वो जो स्टैंड को होल्ड कर रहा है उसकी ड्यूटी है कि अगर हमारी गाड़ी से तेल निकला है या हमारी गाड़ी में कोई डैमेज हुआ है स्ट्रक्चरल डैमेजेस हुआ है ठीक है तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में क्या होगा उस कंडीशन में मान लिया जाएगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी सर्विस प्रोवाइडर की यानी स्टैंड वाले ने हमें सर्विस देने का शुद्ध और विशुद्ध रूप से सर्विस देने का वादा किया था जिसके कारण मैं अपना अपने समान का यानी अपने बाइक का पोजेशन क्या कर दिया दे दिया उसको बाइक का पोजेशन दे दिया तो उस कंडीशन में मान लिया जाएगा कि हमने उसको बेलमेंट कर दिया और इनकेसि डिफेक्ट होता है कोई परेशानी आती है तो हम उसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में केस करके भी रिकवर कर सकते हैं या अगर वो ह्यूज मात्रा में इंटेंशनली कर रहा है तो उसके खिलाफ हम अदर क्रिमिनल चार्जेस भी लगा सकते हैं क्रिमिनल रिच ट्रस्ट आप लोग पढ़े होंगे तो वो भी यहां पर इन्फोर्समेंट हो जाएगा कि अगर आपने ब्रीच किया है आ, इंटेंशनली अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज काज किया है तो आप क्रिमिनल ब्रीच आप ट्रस्ट के अंतर्गत लाइबल होंगे और उसके लिए आपको आ, हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा ठीक है तो वो व्यक्ति जो लाइबल होगा देगा दूसरी चीज अब उसकी तो लाइबिलिटी हम अपने फेवर की बता दिए अब उसकी भी लाइबिलिटी है अगर वो धो के प्रेस करके लॉन्ड्री वाला कपड़ा आपको दे देता है ठीक है तो वो एक स्लिप बना के देगा या पैसा जो भी उसका चार्ज आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा ठीक है आप किसी भी प्रकार की टर्म एंड कंडीशन यानी सब्सिक्वेंटियल सबटेंशियल अगर कोई कंडीशन लगाते हैं तो मान्य नहीं होगी कि जैसे कह दिया अरे क्रीज खराब हो गई है प्रेस खराब हो गया है ऐसे प्रेस होता है वैसे ऐसा कुछ नहीं जी उसने धुल के और कपड़ा प्रेस करके दिया है तो जो उसने चार्जेस बताए हैं यानी जिस कंडीशन के अंतर्गत आपका काम समव्यवहार चलता था उसी के अंतर्गत आपको उसको पैसा देना पड़ेगा आप उससे डिनाई नहीं कर सकते हैं ठीक है यानी इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी दोनों पक्षकारों की यानी जो कपड़ा देने वाला है धुलने के लिए लॉन्ड्री में और एक जो है कपड़ा जो धुल रहा है एक स्टैंड वाला जो बाइक अपनी बाइक होल्ड करता है फॉर समर्पज कुछ समय के लिए ठीक है स्टैंड की रखवाली करता है उनके बाइक की रखवारी करता है उसकी भी लाइबिलिटी है और जो क्या है जो बाइक वहां पर खड़ी कर रहे हैं उनकी भी लाइबिलिटी है कि जो बाइक स्टैंड का चार्ज है उस चार्ज को आपको पेड करना पड़ेगा अगर एक घंटे का पच्चीस रुपया है तो आपको पच्चीस रुपए का चार्ज पेड करना पड़ेगा ठीक है तो दिस इज अवेयरनेस यानी समाज में जागरूकता होनी चाहिए हम लोग क्या करते हैं सामान्यतः देखते हैं कि एक से पचहत्तर तक तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं देयर आफ्टर आई तो अंडरस्टैंड देयर इज नो यूज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट अदर साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये सेकेंड पार्ट को कोई पढ़ता ही नहीं है बट आपके जीवन में आपके हर स्टेप पे ठीक है इवेन अगर आप मान लीजिए एज ए जज हो जाते हैं एज ए वकील होते हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि नो अबाउट व्हाट इज बिटवीन मी एंड अदर पर्सन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके और अलग व्यक्ति के बीच में क्या घटना हो रही है क्या समव्यवहार हो रहा है तो उसी के अंतर्गत हम लोग बेलमेंट के बारे में पढ़ेंगे जैसे कोई भी कार्य करते हैं किसी से साइकिल हायर करते हैं और ये व्यवहारिक संविदा है व्यवहार पर आधारित है आपके दिनचर्या पर आधारित संविदा है जिसको आम तौर पे सब लोग नहीं समझ पाते हैं नहीं जान पाते हैं और ये, ये संविदा घटित हो जाती है इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली ठीक है तो अब जो ला स्टूडेंट है वो भी कुछ हद तक जानते हैं कुछ हद तक नहीं कुछ लोग नहीं जानते हैं अगर जो जानते हैं वो भी अवॉइड करते हैं कि यार दो सौ रुपया चार सौ रुपए के लिए कौन करने जाए चीजें करने जाए लेकिन इससे क्या है परफेक्टनेस एंड क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी होती है एक चीज जान लीजिए हमें भला ही लगता है कि नहीं दो चार सौ के लिए हम रोज किच किच करें लेकिन नहीं।, लेकिन नहीं आप जो है कभी ये ध्यान रखिए आप कभी भी कभी भी जीवन में ध्यान रखिएगा कि आपको ये कहीं ना कहीं रिलेवेंट लगेगा और समाज के प्रति जागरूकता होना और उस तरह की लाइबिलिटी करना आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी यानी अगर कोई व्यक्ति कपड़ा धुलने का कार्य कर रहा है तो अगर इस तरह की दो घटनाएं हो जाए तो हर व्यक्ति कपड़ा धुलने यानी वो चाहेगा कि हम उसमें परफेक्ट हो जाएं तब हम कपड़ा धुलने का कार्य स्टार्ट करें हम प्रेस का कार्य करते हैं तो अगला सोचेगा हम प्रेस का कार्य में निपुण हो जाए तब प्रेस का कार्य करें क्योंकि अगला अगर कोई गड़बड़ होगा तो हमारे खिलाफ केस कर देगा तो इट इज मतलब एक क्वालिटी मिलेगी आपको समाज में एक क्वालिटी मिलेगी जागरूकता मिलेगी इससे ठीक है तो अवॉइड करेगा आदमी टेक्निकालिटी से बचने का प्रयास करेगा कि इस तरह की घटनाएं ना हो तो हमें हमेशा जीवन में जैसे एक ओझा सर की बात एक लोगों ने लिखी है ठीक है कहने का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में सामाजिक दिनचर्या से जोड़ के ला क्या है लाइज ऑफ द नेचुरल बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपके नेचुरल बिहेवियर पर डिपेंड करता है हम केवल टार्ट को ही मानते हैं कि हमारा सम व्यवहार होता है तो टार्ट इंप्लाई अप्लाई करता है नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट के पोर्शन देख लीजिए इंडेमिनिटी देख लीजिए आप गारंटी देख लीजिए आप बेलमेंट देख लीजिए लेकिन यहां तक कोई पढ़ने के लिए पहुंचता ही नहीं है न जानना के प्रयास करता है लेकिन ये संव्यवहार है और इससे एज ए बींग एडवोकेट आपका नाम भी हो सकता है जब इस तरह के केसेस करेंगे जब इस तरह को हैंडल करेंगे एज ए बीइंग जज आप इसको कोरिलेट करके अगर किसी जजमेंट को देंगे तो आपका मतलब नाम होगा जज बन जाएंगे वकील बन जाएंगे सारी चीजें हो जाएगी लेकिन आप आगे कैसे आएंगे आप समाज को मार्गदर्शन कैसे दिखाएंगे मार्ग कैसे दिखाएंगे ये आपके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा आपके अंदर जितना टैलेंट है उस पर डिपेंड करेगा नहीं तो सामान्य ढर्रे में सब चल रहे हैं आपकी भी जीवन कट जाएगी कभी जीवन में कभी ये नहीं आप कर पाएंगे कोई प्रोफाउंडेड लैंडमार्क जजमेंट दे सके जो पेपर में छप सके न्यूज हो सके तो हमें ऐसा बनना चाहिए परफेक्टनेस के साथ कोई कार्य करेंगे समाज को इंक्लूड करते हुए ला टोटली बेस्ड है समाज पे आपके व्यवहार पे बेस्ड है और उस व्यवहार को हम इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोग हर घर में कपड़ा धुला जाता है हर व्यक्ति स्टैंड पर जाता है अपनी गाड़ी खड़ी करता है लेकिन वो नहीं जानता है अब वहां अगर कोई लड़ने लगा तो लोग ये भी उदाहरण देखे देखो ये गए हैं ये किचकिच -किच कर रहे हैं मतलब मतलब इससे लड़ रहे हैं उलझ रहे हैं छह सौ चार रुपए का ठीक है खर्च आया तो कहने का मतलब ये है तो आपकी जागरूकता समाज को जागरूक करेगी तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है अब हम आते हैं टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट बेलमेंट पे उप निधान सेक्शन 148 के अंतर्गत उप निधान की डेफिनेशन दी गई है जिसके अंतर्गत हम कहते हैं एक शॉर्ट रिलेशनशिप एक शब्द केवल लिखते जाइएगा शॉर्ट रिलेशनशिप यानी एक छोटा संबंध होता है बेलमेंट इज ए शॉर्ट रिलेशनशिप क्या है बेलमेंट एक छोटा संबंध छोटा संबंध मतलब कुछ समय के लिए एक छोटे समय के लिए जैसे मान लीजिए हम गए बिग बाजार में गए बिग बाजार के सामने जो पार्किंग है या अंडरग्राउंड जो पार्किंग है हम उसमें पहले जाते हैं क्योंकि हम बाइक से टू व्हीलर फोर व्हीलर साइकिल जैसे भी जाते हैं हम पहले उसको खड़ी करते हैं हेलमेट लेके जाते हैं तो हेलमेट को रखते हैं डिपॉजिट करते हैं ठीक तो डिपॉजिट करने के बाद क्या होता है डिपॉजिट करते हैं तब जाके हम ऊपर जाते हैं किस लिए हम बिग बाजार में सामान खरीदने के लिए गए हैं यानी कुछ समय के लिए हम ऐसा तो है गाड़ी कर और हम महीनों महीना चार महीना तो तो के ऐसा कुछ समय लिए हम हैं और वहां कर दे दे जो है कर है उससे हम गाड़ी ले लेंगे उसका जो चार्ज होगा उसको हम दे देंगे ठीक है उसके चार्ज को पेमेंट करते हुए हम उससे गाड़ी ले लेंगे ठीक अब उसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि एक घटना ये हो गई इसी तरह हम किसी को घड़ी रिपेयर करने के लिए देते हैं एक छोटा सा उदाहरण और ले लीजिए यानी हम केवल एक शब्द पे बात कर रहे हैं शार्ट रिलेशनशिप यानी बेलमेंट क्या है एक शार्ट रिलेशनशिप है एक छोटा संव्यवहार या संबंध है उपनिधान इज शार्ट रिलेशनशिप छोटा संबंध है यानी छोटे समय के लिए कम समय के लिए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित होना इट इज ए बाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि संबंध ऑटोमेटिकली हो रहा है इंप्लाइडली हो रहा है आई एम नॉट एनीथिंग आई एम एंट्रिंग इन पार्किंग ऑफ द बिग बाजार हम बिना कुछ कहे बिग बाजार के पार्किंग में चले जा रहे हैं हम बिना कुछ कहे हमने स्टैंड कर दिया अगला आया पर्ची लगा दिया हमारी गाड़ी में तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज इन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट है और हम उसको फॉलो करते हुए हम उस समय के लिए वो भी है कि बहुत होगा तो एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा तक तो ये संव्यवहार चलेगा और चार घंटा तक हमारा और उस बिग बाजार के स्टैंड वाले का रिलेशन है कि हमने अपने सामान को क्या किया है बेल, मतलब बेलमेंट किया है अपने सामान को दे दिया है उसका फिजिकल जो है मैं दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया हूं कुछ समय के लिए ठीक तो पहला पॉइंट होगा बेलमेंट इज अ अट रिलेशनशिप नेक्स्ट नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए बेलमेंट है तो इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं तो बेलमेंट में हम देखेंगे कि पर्सनल प्रॉपर्टी यानी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है हमारे कोई कपड़े हैं धुलने के लिए दे रहा हूं तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है हमारे पास कोई वॉच है मैं उसको रिपेयर करने के लिए दे रहा हूं तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है यानी मैं एक व्यक्ति क्या करता? क्या करता है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का एक व्यक्ति अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या करता है टेम्प्री टेम्परली यानी नहीं आंशिक रूप से ट्रांसफर करता है ट्रांसफर करता है किसको एन अदर पर्सन घोष अपने उस प्रॉपर्टी का जब पोजेशन होता है वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है अब उस व्यक्ति की लाइबिलिटी है कि उस ट्रांसफर प्रॉपर्टी का जिसका वो पजेशन होल्ड कर रहा है नॉट ओनर ओनली द पजेशन होल्ड कर रहा है वो शार्ट पीरियड के लिए अस्थायी रूप से उसका पजेशन है ठीक है और उसकी जितनी भी लाइबिलिटी होगी उस दरमियान वो व्यक्ति की रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी उसी व्यक्ति की रिस्पांसिबिलिटी मानी जाएगी आप लोग देखिएगा आप लोगों को एज ए मतलब लॉ प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूं तो इसलिए बता रहा हूं आप लोग कभी भी देखिएगा अभी एक फर्स्ट अपील आई है फर्स्ट अपील जो केसेज होते हैं फर्स्ट अपील फ्रॉम आर्डर ठीक है आप लोग सी में पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है जैसे मान लीजिए कि यह हाईकोर्ट में होता है और क्लेम जो है निचली अदालत में होता है ठीक है जैसे मान लीजिए एक टेम्पू आप बेच दिए ठीक है टेम्पू बेच दिए और क्या किया? लिखित में जो है एक करार हो गया कि हम जो है इनको टेम्पू बेच दिए हैं आपने उनसे पैसा ले लिया है टेम्पू को उनके पजेशन में दे दिया है, ध्यान रखिएगा टेम्पू उनके पोजेशन में है जिनको बेचा है क्यों, क्योंकि उन्होंने तुरंत पोजेशन ले लिया लेकिन आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किए हैं यानी गाड़ी के कागज आप क्या किए हैं नहीं दिए हैं ठीक है तो गाड़ी का जब तक कागज नहीं होगा तब तक एक्चुअल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा वो एक माना जाएगा कि बेलमेंट के तरह है लेकिन यहां अल्टेरियर एल्ट एल्ट इंटेंशन है बेलमेंट का इंटेंशन नहीं है उसके अन्य इंटेंशन है कि हम बेच रहे हैं पर मतलब फिजिकल पोजेशन को दे दिए हैं उनसे पैसा ले लिए हैं बेचने के नाम पर ठीक है इन केस अगर उस घटना अगर उस टेम्पू से कोई घटना घटित हो जाती है एक्सीडेंट हो जाता है ठीक है अगर उस टेम्पू से किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है उस कंडीशन में क्या है वो व्यक्ति क्या करता है जो मरेगा या जिसका एक्सीडेंट होगा वो क्लेम करेगा किसके खिलाफ क्लेम करेगा टेम्पू मालिक यानी वो टेम्पू का जो नंबर लिखा रहता है जो ओनर होगा उसी के खिलाफ करेगा और चालक के खिलाफ होता है ठीक है तो अननोन उसने एक क्लेम पिटीशन ट्रिब्यूनल में डाल दी मोटर एक्सीडेंट व्हीकल एक्ट के अंतर्गत क्लेम पिटीशन डाल दी कि हमारा इस फला नंबर टेम्पो से एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण मुझे इतनी क्षति हुई है और मुझे इतना कंपनसेशन इनसे दिलाया जाए इस तरह का क्लेम पिटीशन डाल दिया अब अगला कह रहा है कि हम उसमें क्या हैं हम पार्टी नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है हम तो केवल इनका टेम्पू क्या किए थे लिए थे वो डिनाई भी कर सकता है कि हमने नहीं लिया था ये, इनके पोजीशन में था क्योंकि ओनरशिप जो था अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है ओनरशिप पुराने व्यक्ति के पास ही रखा हुआ है यानी और जब तक आप कागज नहीं ट्रांसफर करा लेंगे तब तक होल लाइबिलिटी आप जो है होल्ड करेंगे ठीक है तो इन केस अगर मान लीजिए आप जो है अगर ट्रांस गाड़ी है आपकी और आप जो है खड़ा किए और उसमें कुछ विस्फोटक पदार्थ अगर आप रखे हैं अगर उस मतलब बिग बाजार के पार्किंग स्टैंड में अगर वो विस्फोट हो जाता है एक्सप्लोसिव के कारण आपके द्वारा रखा गया एक्सप्लोसिव के कारण अगर विस्फोट हो जाता है तो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी यह उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी आप कहेंगे नहीं अरे पजेशन में उसको दे दिया था स्टैंड वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नो no, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने डिग्री उस में उस आपने रखा था आपके डिग्गी से ऐसा एक्सप्लोसिव आने की संभावना है तो इट इज ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट ऑफ इट इज डिपेंड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज बट प्राइम ऑफ एस आई योर लाइबिलिटी विल बी इंपोज आपकी लाइबिलिटी फिक्स हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी एकदम सटीक हो जाएगी कि नहीं आपको देना यह ड्यू टू ओनरशिप लेकिन इस केस में सिर्फ पजेशन ट्रांसफर होता है बेलमेंट में एक चीज ध्यान रखिएगा सिर्फ पजेशन यानी एक व्यक्ति अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को दूसरे व्यक्ति को क्या करता है देता है कुछ समय के लिए और अपना जो है पजेशन दूसरे को सौंप देता है ठीक है दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है उस कंडीशन में माना जाता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सौंप के बेलमेंट किया गया है क्या किया गया है बेलमेंट उपनिधान किया गया है ठीक तो इसमें तीन चीजें ध्यान रखिएगा कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल संपत्ति को ठीक है टेम्परेली ध्यान रखिएगा आंशिक रूप से पूर्णतया नहीं आंशिक रूप से उसका पजेशन जो है क्या करेंगे पजेशन ट्रांसफर करेंगे किसको दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करेंगे तो वो जो है बेलमेंट की श्रेणी में आता है अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को आगे बताएंगे कस्टडी और बेलमेंट में अंतर होता है ये ध्यान रखिएगा कस्टडी अलग होती है बेलमेंट अलग होता है ठीक तो यहां बेलमेंट किए हैं हम अपनी पर्सनल संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से उसका कब्जा सौंप देते हैं पजेशन सौंप देते हैं आप लोगों ने जो स्टूडेंट में पढ़ा होगा पजेशन एंड ओनरशिप ठीक है तो उसमें दो प्रिंसिपल आप लोगों को आए होंगे इन परसोनम इन परसोनम एंड इन रेम ठीक है रेम तो रेम जो है इन परसोनम रेम जो है यहां पर हमारा जो पढ़ाने और हमारे टॉपिक से जो रिलेटेड है मैक्सिमम इन परसोनम से है ठीक है और रेम से भी है कि अगर जैसे मान लीजिए कि रेम इस सेंस में है कि अगर मान लीजिए हम उस संपत्ति को अगर किसी के कब्जे में दे दिए हैं कि भाई आप चार दिन के लिए कब्जे में दे दिए हैं इन केस हमारे अलावा अगर कोई भी व्यक्ति उसको यूज करने के लिए जाता है उसको प्राप्त करने के लिए जाता है तो वहां पर क्या होता है उसको कोई अधिकार नहीं होगा वो कहेगा नहीं है, ये मेरा अधिकार है मेरा राइट है मुझे पजेशन पुझे में दिया गया है और जो व्यक्ति पजेशन में दिया गया है वो भी हमको चार दिन के लिए दे के गया है वो तीसरे दिन आके मांग नहीं सकता है हमसे तो आई है एक्सक्लूसिव राइट टू होल्ड द पजेशन ऑफ दिस थिंग्स हमारे पास ये आ, आ, हमारे पास ये राइट है हम इसको होल्ड करेंगे ठीक है तो उसी तरह हम जब देखेंगे इसमें से अभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कस्टडी और बेलमेंट में अंतर पहले तो बेलमेंट तो हम समझ जाए है क्या कस्टडी भी फिर समझेंगे तब जाके उन दोनों का अंतर डिस्कस किया जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि तीन चार चीजें हमेशा इसमें ध्यान रखनी है पहला शॉर्ट रिलेशनशिप डेवलप होता है किसी व्यक्ति से बेलमेंट के अंतर्गत दूसरा पर्सनल प्रॉपर्टी क्या करते हैं एक व्यक्ति अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को टेम्परेली अस्थायी रूप से क्या करता है किसी दूसरे व्यक्ति को अपना उस संपत्ति का पर्सनल प्रॉपर्टी का फिजिकल पजेशन जो है ट्रांसफर करता है ठीक है और उस ट्रांसफर के अंतर्गत मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति के पास उस संपत्ति की भौतिक अधिकार आ गया है ठीक है अब हम देखेंगे कि ओनरशिप का क्या है जब ओनरशिप ऑफ आर्टिकल्स रहेगा गुड आर्टिकल इन पर्सन द पोजेशन इन एन अदर यानी इस संबंध में हमेशा पोजेशन फिजिकल पोजेशन तो उसके पास रहेगा लेकिन ऑनरशिप जो रहेगा हमेशा ओरिजिनल व्यक्ति यानी जिसने ट्रांसफर किया है जिसने अपनी प्रॉपर्टी जिसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को दूसरे व्यक्ति को डिलीवर किया है ठीक है तो ओनर वही हमेशा रहेगा यानी उसको कहते हैं हम बेलर आगे आप भी पढ़ेंगे तो उसको हम बेलर कहते हैं और बेलर के पास ही ओनरशिप रहता है और बेली के पास क्या रहता है पजेशन का राइट रहता है किसका राइट रहता है पजेशन का राइट रहता है ठीक है तो ये हमेशा ध्यान देना है और इसमें कोई विशेष नहीं है बड़ा अच्छा है बड़ा बहुत आ, सिंपल है लेकिन इसका सिर्फ उपयोगिता कम है उपयोगिता इसलिए कम है कि ये आम लोक व्यवहार की चीजों में रहती है हमारी और हम लोगों के अवॉइड करने से निगलेक्ट करने के कारण ये चीजें जो हैं धीरे धीरे क्या होती है यूज में नहीं आती क्योंकि हम लोग एज ए लाइफ या एज ए अबे आप जो सोसाइटी नहीं जानते हैं क्या क्या हमारे संबंध कहां कहां बन गए कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हम दिन भर में करते हैं हमें खुद नहीं पता ठीक है तो वही है कि उसी के अंतर्गत ये लिया जाता है अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 देख लीजिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 फोर्टी एट एबेलमेंट देखिएगा ध्यान रखिएगा इसको तोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से ए बेलमेंट एक बेलमेंट है ठीक है वो क्या होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स एबेलमेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स यानी एक बेलमेंट अगर मान लीजिए इसमें एक हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अगर किसी संपत्ति का डिलीवरी न किया जाए ठीक है किसी संपत्ति की अगर डिलीवरी न किया जाए तो उस कंडीशन में क्या संव्यवहार होगा माना जाएगा कि यह बेलमेंट हुआ है नहीं डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज नेसेसरी। हमेशा ध्यान रखिएगा बेलमेंट का जो रीढ़ है आवश्यक है आवश्यक तत्व है वो डिलीवरी ऑफ पोजीशन है यानी किसी भी आर्टिकल का आपके संपत्ति का डिलीवरी होना जरूरी है और यानी उसका हस्तांतरण आपके द्वारा होना जरूरी है ठीक है तो डिलीवरी ऑफ गुड्स डिलीवरी ऑफ गुड्स देर आफ्टर बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्या होता है ट्रांसफर होता है डिलीवरी होता है ठीक है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें एक्सप्लेनेशन में एक पोर्शन में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी इन पोजिशन में है तो उसका भी बेलमेंट होगा ठीक है उसका भी बेलमेंट होगा ऑलरेडी पोजिशन बट इट इज रेयर एंड रेयर केस में होता है अगर है तो संव्यवहार में आएगा एक्सप्लेनेशन में है लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ये कहता है कि डिलीवरी ऑफ पोजिशन इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द बेलमेंट ठीक है इसमें कोई शक और सुभाव नहीं होना चाहिए अगर इन केस एक्सप्लेनेशन के अनुसार देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि ऑलरेडी अगर कोई व्यक्ति अगर पोजिशन में है तो उसका पुनः जो है आ, किया जा सकता है ऑलरेडी इन पोजिशन में तो उस फैक्ट एंड कम से उसके अलग रहेंगे उसकी परिस्थितियां और व्यवहार अलग रहेंगे ठीक है तो उसी कंडीशन के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है सम परपज ध्यान रखिएगा कुछ उद्देश्य के लिए उसका कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य होना चाहिए अपान ए कॉन्ट्रैक्ट हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लिखित कोई व्यवहार नहीं करते ना जैसे हम गए स्टैंड में गाड़ी खड़ी किए निकल लिए बिग बाजार में ऊपर चले गए अब वो पर्ची लगा रहा है सारी चीजें कर रहा है तो क्या कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट है इंप्लाइडली आपके द्वारा एक्सेप्टेड है आप उसको मान के चले हैं कि जैसे हम एंटर किए यानी बिग बाजार के जैसे स्टैंड में एंटर किए वो मान लिया जाएगा कि नहीं आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहे हैं आपके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया जैसे एंटर किए वैसे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा और आप वहां खड़ी किए तो यानी अपनी गाड़ी का अपने जो बाइक है उसका पजेशन अपनी कार का पोजेशन जो है उस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए जो वहां पर होल्ड कर रहा है उसका पजेशन उस व्यक्ति को दे दिए कितने घंटे के लिए दो तो चार घंटे के लिए जितने देर आप उस बिग बाजार में शॉपिंग करेंगे ठीक है तो उतने देर के लिए दे दिए या आप कोई घड़ी है आपकी खराब हो गई है तो आप कहते हैं भैया इसको कल सही कर देना कल मैं आऊंगा ले जाऊंगा यानी आप 24 घंटे के लिए जिस टाइम दिए हैं आप 24 घंटे के लिए उसको क्या कर दिए दे दिए उसको हैंडओवर उसका पोजीशन हैंडओवर कर दिए इन केस अगर बीच में आप चाह के भी अगर उसको लेना चाहेंगे तो नहीं माना जाएगा अगर जैसे मान लीजिए कि आप एक घड़ी दे दिए और घड़ी दे के और उसके बाद चले आए और फिर बाद में गए तो घड़ी अगले दिन थोड़ा दो घंटा पहले चले गए और वो घड़ी बन गई थी आप एकदम सामने आपके उसमें रखी थी रेख में वो दुकानदार ने रखा था वो कहीं चला गया था या कुछ हो गया था और आप अपनी घड़ी ले आए ठीक है उसका जितना पैसा था उतना दे दिए यानी जि जितना बनाने में उसका पैसा लगता था उतना आप दे दीजिए अब उस कंडीशन में आपने कौन सा कौन सवालों ने किया है आते हैं तो आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं आप जब आगे आईपीसी पर हो तो उसमें इस तरह के एग्जाम्पल है आपने वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज किया क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के अंतर्गत आ सकता है ठीक है आप चीटिंग के भी लाइबल हो सकते हैं ठीक है कहने का मतलब यह है बीच आप ट्रस्ट के लाइबल हो सकते हैं चीटिंग के लाइबल हो सकते हैं क्रिमिनल बीच आप ट्रस्ट वो करेगा अगर उसके द्वारा कोई कार्य कारित किया जाता है अगर उस घड़ी को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है या इल्टेरिया उद्देश्य के लिए चौबीस उसे, उसे घंटे ले ले ले, चलो चौबीस घंटे तुम रखो और यूज करो फिर हम कर देंगे वो आया जो इसने घड़ी दिया था बनाने के लिए वो कहा कि नहीं भैया हमारी घड़ी दीजिए तो घड़ी नहीं दे पा रहा है उस कंडीशन में क्या हुआ जब घड़ी नहीं दे पा कहा कल ले लीजिएगा बाद में उसको पता चला कि अरे वो तो तीसरे व्यक्ति को हमारी घड़ी दिया हुआ है हमें एकदम एग्जैक्ट एक पता है कि वही घड़ी हमारी है उस कंडीशन में तीसरे व्यक्ति को देख लिया अब क्या करोगे आप उसके खिलाफ क्रिमिनल मिस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस कर सकते हो कि हमने इनको पजेशन में दिया था और अपनी घड़ी रिपेयर करने के लिए दिया था तो इन्होंने उसका मिसयूज करते हुए क्या किया उसको दूसरे व्यक्ति को दे दिया है और उसके लिए कुछ आशयिक तरीके से कुछ पैसा लिया है इंटेंशन के द्वारा तो वहां पे माना जाएगा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए वो व्यक्ति लायबल होगा जो जिसको आपने अपना घड़ी का पोजीशन दिया था ठीक और पर्पज जब एक हो जाए यानी जब पर्पज समाप्त तो हो जाए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बेली ठीक है जो बेली है उसका उसकी जिम्मेदारी होगी कि जब पर्पज समाप्त हो जाए तो वो क्या करे सामान को वस्तु को अपने पजेशन से निकाल के ओनर को दे दे ठीक है जैसे मान लीजिए हम घड़ी का उदाहरण ले ले बिग बाजार का उदाहरण ले लें या स्टैंड का उदाहरण ले लें या कपड़ा धुलने का उदाहरण ले लें बहुत सारे उदाहरण है आपके सामान्य दिनचर्या के उदाहरण हैं आप खुद अपने आभास करेंगे कि हमने दिनचर्या में कितने लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया है अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत चल रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा पोर्शन है और क्राइम ऐसा पोर्शन है जो व्यक्ति के सामान्यतः दिनचर्या में इन्वॉल्व होता है और उसी के अंतर्गत आपका कार्य होगा तो जैसे मान लीजिए कि आप गए और अपनी रख दिए बाइक रख दिया अपने सामान खरीदा बिग बाजार से सारी चीजें किया अब आप गए कहे हमारी बाइक ले जा रहे हैं अगर वो रिफ्यूज कर देता है तो क्या होगा इस घटना के बारे में ध्यान रखिएगा कि अगर वो व्यक्ति कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा तब क्या होगा उस कंडीशन में यानी इट इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बेली इट इज ए ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द पजेशन यानी जो पजेशन वो बेली ने यानी जिसको आपने अपना गाड़ी हैंडओवर किया था जिस स्टैंड में रखा था अब स्टैंड वाले की तत्काल जिम्मेदारी है कि जैसे आपका परचेजिंग समाप्त तो हो जैसे आपका कार्य समाप्त तो हो वैसे ही क्या करे उसको वापस कर दे आपको वापस कर दे गाड़ी अगर नहीं करता है तो आपका राइट वहां पर आ जाएगा और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंतर्गत वो व्यक्ति लायबल माना जाएगा उसके खिलाफ आप डैमेज का क्लेम कर सकते हैं ठीक है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस कर सकते हैं तो ये बेलमेंट का ट्रांजेक्शन है जो हर व्यक्ति के समानता घटित होता है ठीक है और दूसरी चीज एक इसमें और पॉइंट आता है कि डिलीवरी अगर इन केस अगर मान लीजिए कि हम ये जरूरी नहीं है कि हमें को दे डिलीवरी किसी सामान का जो सामान हम के हैं अगर उस सिस्टम में खड़े किया है तो जरूरी नहीं है कि हमें को मिले हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया है तो किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दे तो ट्रांसफर कर सकता है वो दे सकता है गाड़ी परमिशन एंड डायरेक्शन के बाद वो उस उस व्यक्ति व्यक्ति को को कर देगा को देगा ठीक है तो उस कंडीशन के लिए हम ये कहते हैं कि ये बेलमेंट है और बेलमेंट के अंतर्गत इस तरह का सामान्यतः होता है जैसे मान लीजिए आपने कपड़ा धुलने के लिए दे दिया आपको समय नहीं है, आप चले गए ज, न, कहीं चले गए कॉलेज चले गए कहीं चले गए कह दिया कि अरे वो कपड़ा ले लेना ले यार वहां दिया हूं ये पर्ची ले लो होगा तो पर्ची ले लेगा और आप जाओगे कहोगे हमको दे दीजिए उन्होंने डायरेक्शन दिया है अगर मान लीजिए पर्ची ना देते तब आप मांगोगे तो देगा कतई नहीं देगा क्योंकि पर्ची ही इंडिकेट कर रहा है कि वो पर्ची के द्वारा डायरेक्शन देके भेजे होंगे तब आप कपड़ा ले जा रहे हैं, हैं लॉन्ड्री से तो कहीं ना कहीं उस पोजीशन का उस होल्डिंग का ट्रांसफर होना चाहिए तुरंत होना चाहिए उस पर्पज को समाप्त होने के बाद ठीक है तो दो तीन चीजें हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल संपत्ति को बेलमेंट का जो जिस्ट है जो एकदम मूल है सार तत्व है कंसेप्ट है यही है कि आप इसको ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल संपत्ति को ध्यान रखिया पर्सनल संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है ट्रांसफर करता है देता है किसी उद्देश्य से कुछ समय के लिए टेम्परेली परमानेंट नहीं देता कुछ समय के लिए किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको ट्रांसफर करता है उस उद्देश्य के पूरा हो जाने के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पर्पज ठीक है वो क्या करता है दूसरा यानी जो पोजीशन होल्ड करता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुरंत उस पोजीशन को वापस कर दे ठीक है और जो तीसरी पॉइंट यह है कि जो पजेशन देता है यानी जो तो बेलर है वो क्या करता है वो ट्रांसफर करता है अपनी का, संपत्ति का पर्सनल संपत्ति का ट्रांसफर करता है तो ओनरशिप हमेशा बेलर के पास ही रहती है केवल अपना पजेशन ट्रांसफर करता है अपना भौतिक जो तो नहीं होता है भौतिक कब्जा जो है वो वापस करता है वो देता है ओनरशिप उसी के पास रहती है ठीक है तो दिस इज जस्ट ऑफ द बेलमेंट और यही कांसेप्ट पे हम आगे इसको देखेंगे जिसमें हम अब इसमें देखा जाएगा कि ड्यूटी क्या-क्या है किसकी बेलर की ड्यूटी क्या है बेली की ड्यूटी क्या है ठीक है कब वो देगा कब वापस करेगा किस कंडीशन में वो देगा वो रेन्यूमरेसन जो प्रतिफल है उसको लेने के बाद देगा जो कंसीडरेशन है लेने के बाद देगा कि नहीं देगा ठीक है अगर नहीं देगा तो क्या वहां पर कौन सा एक्ट कार्य हो जाएगा कौन सा मतलब काज ऑफ एक्शन एराइज होगा इन सारी चीजों को हम देखेंगे ध्यान देंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो संबंध बनते हैं जो बढ़ते बिगड़ते हैं जो व्यवहार हो रहे हैं जो कार्य हो रहे हैं कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हो रहे हैं हमारे यहां हम लोग आम सामान्य जीवन में कभी इसको ध्यान नहीं देते लेकिन हम लोग अपने उठने से लेके खाने तक से लेके सारी चीजों में कहीं ना कहीं कंट्रैक्ट से घिरे हैं अब उठने से उदाहरण दे दे अगर मान लीजिए आप सुबह उठे ब्रश किए ठीक है अब ब्रश किए ब्रश में मान लीजिए कि कोई कीड़ा निकल गया ठीक है या कोई पॉइजनस चीज आ गई आप उसको ब्रश किए और तुरंत मान लीजिए कोई साइड इफेक्ट हो गया आप पेस्ट कहाँ से लाए थे जिस दुकानदार से लाए थे वो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी वो कहेगा कि हमने पैक सामान दिया था ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है तो आप कंपनी भी जिम्मेदार होगी ठीक है क्योंकि वो जैसे पैक आया था वैसे दे दिया था तो यानी कंपनी जो है पैक उसमें यानी उठने से लेकर सोने तक हर जगह व्यवहार में हमारे कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन हम सामान्यतः तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वेस्ट ऑफ द टाइम समझते हैं लेकिन हर व्यक्ति अगर जागरूक हो जाएगा अपने संव्यवहार के प्रति कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपने राइट को एनफोर्स कर सकते हैं और कौन व्यक्ति किस राइट से बधा हुआ है तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने कार्य में परफेक्ट हो जाएगा उसको कहने की जरूरत नहीं होगी यानी जो पेस्ट बेचने वाला है वो पेस्ट की क्वालिटी और गुणवत्ता पर ध्यान देगा और बढ़िया प्रॉपर डिलीवरी की बात करेगा कि हमारे पेस्ट में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए नहीं तो अगर क्लेम आने लगेंगे तो मैं क्लेम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये पचास रुपये का पेस्ट नहीं बेचेगा एक लाख का क्लेम आ गया तो आप केस लड़ेगा क्लेम देगा तो वो अपने कार्य में परफेक्टनेस चाहेगा तो कहने का मतलब यह है कि बेलमेंट एक समाज को जागरूक करने के लिए उपनिधान एक ऐसा है जिसके अंतर्गत आप जो है अपनी किसी संपत्ति का अगर किसी को पजेशन देते हैं उत्तराधिकार देते हैं किसी कुछ ही उद्देश्यों के लिए तो वहां पर उसकी और आपकी दोनों की लाइबिलिटी एंड ड्यूटीज बनती है कि आप अपने अपने पार्ट का परफार्म करेंगे अब इसमें दो चीजें आप ध्यान रखिएगा बेलमेंट में दो व्यक्ति होते हैं एक होता है बेलर जिसको उपनिधाता कहते हैं एक होता है बेलर जिसको उपनिधाता कहते हैं यानी जो व्यक्ति क्या करता है वो हैव डिलीवर द प्रॉपर्टी यानी जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को क्या करता है डिलीवर करता है देता है किसको बेली को यानी जो होल्ड करता है जो डिलीवर करता है वो बेलर हो गया जो होल्ड करता है पोजिशन होल्ड करता है वो क्या हो गया बेली हो गया ठीक है तो दो शब्द आते हैं बेलर और बेली के बीच के ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं बेलमेंट कहते हैं अगर उस दोनों के बीच में अगर बेलमेंट होता है तो हम उसको ट्रांजेक्शन होता है तो बेलमेंट कहते हैं ये टर्मोलॉजी हमेशा याद रखिएगा आपको गारंटी में बताया था टर्मोलॉजी वहां टर्मोलॉजी चेंज हो जाती है बेल बेलमेंट पढ़ रहे हैं तो बेलमेंट में आपकी टर्मोलॉजी बेलर और बेली हो जाएगा इसी तरह आप प्लेज प्लेज पढ़ोगे तो प्लेज में भी आपका टर्मोलॉजी चेंज चेंज हो हो जाएगा वहां पर भी कंडीशन जाएगी टर्मोलॉजी अलग एजेंसी पढ़ोगे तो आपकी टर्मोलॉजी यानी एक ही व्यक्ति के ट्रांजेक्शन और जीवन दिनचर्या के अंतर्गत हर आर, मतलब डिफरेंट तरीके से स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये चीजें आती हैं और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है अब जैसे एक प्रश्न आया था कि कोई व्यक्ति डिलीवरी या पोजेशन इज नेसेसरी या नॉट उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी डिलीवरी में है पोजेशन में है किसी प्रॉपर्टी की और वो बेलमेंट मतलब होल्ड करता है यानी बेलमेंट के लिए दो व्यक्ति आते हैं बेलर और बेली तो बेली ऑलरेडी इन पोजीशन में है तो यहाँ पे मान लिया जाता है कि बेलर द्वारा उस प्रॉपर्टी का डिलीवरी इंप्लाइडली कर दिया गया है या होल्ड किया हुआ है तो वहां पर भी बेलमेंट का ऑप्शन होता है और जैसे बेलर कहता है कि नहीं ऐसा है कि मैं चार छः दिन बाद आऊँगा आप प्रॉपर्टी रखे ही इसको एक्सटेंड कर लो चार छः दिन बाद आऊँगा ले जाऊँगा ठीक है अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आप गाड़ी लेके जाते हो ठीक है स्टैंड पर खड़ा कर दिए 24 घंटे का आपने स्लिप कटवाया है कि 24 घंटे के लिए पर्ची है 24 घंटे हमारी गाड़ी वहाँ पर रहेगी रेलवे स्टेशन के बाहर जो स्टैंड है इन केस अगर आप आए और आपको कार मिल गई तो कहे कि कार वाला कहा कि नहीं आपको हम सुबह भी छोड़ देंगे तो आप कहे कि यार ऐसा है उस क्या करोगे आप करोगे उससे स्टैंड वाले से को हो गया ऐसा है चौबीस घंटे तो हमारा बेलमेंट खत्म हो गया है लेकिन आप पजेशन आपके ही के पास है इसको एक्सटेंड कर देते हैं बेलमेंट को एक्सटेंड कर देते हैं और आपको पुनः 24 घंटे के लिए हम कल शाम को आके ले जाएंगे तो यानी पजेशन होते हुए भी डिलीवरी का जरूरत वहां पे नहीं पड़ी एक नया ट्रांजैक्शन के अंतर्गत बेलमेंट के अंतर्गत वहां पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट राइज हो गया और उसके अंतर्गत वो एक दिन के लिए एक्सटेंड हो गया और वो व्यक्ति उसको होल्ड करेगा ठीक है तो ये चीजें हैं बेलमेंट के अंतर्गत इसमें अब हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो ड्यूटी कुछ इसल्स क्या क्या है, तीन इसके हैं उसके बाद ड्यूटी ऑफ बेली एंड बेलर सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं तो उसको हम लोग अगले टर्म पे डिस्कस करेंगे थैंक यू थैंक यू एवरी अगर आप लोगों को कहीं नहीं समझ में आता है कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको आप लोग पूछ सकते हो आप कल भी हमने माध्यम बनाया और इसको संख्या थोड़ी उपस्थिति कम रहती है आने जाने का सिलसिला लगा रहता है इसमें तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग बड़ा कीमती समय निकाल के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें अच्छी हो ठीक है थैंक यू थैंक यू एवरीवन